क्या कर रहे तुम? तो यहाँ पे ये देखिए, डुग्गू का ना नया जूता लिया है। ये शाम के टाइम ना साइकिल चलाने जाता है। हाँ, फुटबॉल खेलता है, साइकिल भी तो चलाता है। तो चप्पल से ना, मतलब नॉर्मल वाला स्लीपर से में चोट लग सकती है। अगर चप्पल से खेलेंगे तो देखो क्या होगा, चप्पल से खेलेंगे तो उंगली टूट जाएगा पहली बात तो, अगर जूता से खेलेंगे तो बच जाएगा। तो इसके लिए मैं अभी नया जूता लेके आई हूँ, तो स्पोर्ट्स वाला, तो कुछ ऐसा है। ठीक है, पसंद आया? बड़ा है क्या? नहीं तो इसमें सूलेज नहीं बांधा, ऐसे ही तो होता है। नहीं अलग से बांधा था, एकदम घटिया से, ऐसे होता ही नहीं। चलो अभी रख दो, रात हो गया, कल पहनना। सही हो गया, बस इसको गांठ बांधना है, बस हो जाएगा, ठीक ना? चलो देख रहे हैं कैसे बन रहा है कि नहीं, ठीक। ऐसे बांध के जाएंगे और अब टेस्ट करूंगा, ऐसे देख रखा है ठीक है। तुम्हारे इतना होगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पे कल मैं बोली थी ना, सारे घर के जितने भी कर्टन्स है वो धोऊंगी, तो फिर उस दिन नहीं धोई थी, फिर इसको जो है मैं नेक्स्ट डे धोई थी। तो यहाँ पे ये देखिए, आज सारे जितने भी कर्टन्स है ना, ये सारे मैं धोई थी, और यहाँ पे ये सब जो है ये, तो इसको भी अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके भीगे कपड़े से पोंछ लेती हूँ अच्छी तरीके से, और पूरा घर का दिवाली की पूरा अच्छी तरीके से सफाई हो गया है, और कुछ कुछ बाकी है, कुछ कुछ काम, मतलब वही डेकोरेट वगैरह करने का, सफाई तो सारा हो गया है। और ये सारे कर्टन्स मैं धोई थी, तो इसको अभी मैं लगा देती हूँ। और यहाँ पे ये जो मेरा ये कर्टन्स है ना, ये इसका कलर ऐसा है ना, और मेरा बच्चों वाला घर है, तो ज़रा सा कुछ, मतलब कुछ भी हाथों से कोई बच्चे छूते हैं ना इस पर्दे को, तो थोड़ा सा में ही दाग लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया है, ये जो यहाँ पे लगा हुआ है इसमें ज़्यादा दाग वगैरह लगा हुआ है, तो इसको मैं हाथों से ही धोती हूँ, मशीन में नहीं धोती हूँ। तो हाथों से मैं धोई, तो फिर ब्रश वगैरह मार मार के तो फिर नहीं गया, तो मैंने अभी चेंज कर दिया है। मतलब जो मंदिर के साइड दो कर्टन्स लगे थे ना, उनको मैं अभी इस साइड लगा रही हूँ, और इस साइड जहाँ लगे थे उसको जो है अभी मैं मंदिर के साइड लगा दूँगी, तो कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, और कलर तो बहुत प्यारा है, बहुत ज़्यादा प्यारा है, पर हाँ बच्चों वाला घर में ना बिल्कुल भी मतलब ठीक नहीं है ये। और अभी इन दोनों में ज़्यादा दाग लगे थे, क्योंकि ये फ्रंट में लगा था, और तो अभी कोई नहीं, अभी और जितना भी खिड़की है ना इस साइड उस साइड, सारे खिड़कियों में ना मतलब मेरा सामान भरा हुआ है, क्योंकि रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मतलब कोई कवर्ड वगैरह तो है नहीं ना, तो फिर सारे सामान ना इधर उधर मुझे रखना पड़ता है यहाँ वहाँ। तो काफ़ी सारे मेरे दो बेड है, तो उसमें बहुत सारे सामान रखा हुआ है, और कुछ सामान जो है जो कि काम आ ही जाता है रेगुलर में, तो फिर इस खिड़की के यहाँ पर, वहाँ उस खिड़की पर, उधर, मतलब जितने भी खिड़की के यहाँ पे है ना, सारे जगह कुछ ना कुछ सामान रखा हुआ है। तो यहाँ पे अभी ये देखिए, यहाँ पे भी ये कर्टन से, तो इसको भी अभी लगा देती हूँ, और इस साइड वाला अभी नहीं धुला हुआ है, तो उस साइड वाला बाद में धो के फिर इधर जो है अभी लगाऊंगी। और यहाँ पे अभी ये देखिए, मैं ना खाना बना रही, तो खाने में आज मैं बना रही हूँ ये ग्वार की फली की सब्जी और आलू मिक्स करके, क्योंकि फिर मैं आलू नहीं मिक्स करूँगी ना, तो फिर बच्चे मतलब खाएंगे खाली आलू आलू, ये ग्वार की फली ना सारा मुझे खाना पड़ेगा। और इसको अभी मैं थोड़ा सा बॉईल कर लेती हूँ, और इसके बाद जो है इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। और मैं आज बना रही हूँ दाल इसमें, तो इस तरीके से खुले में दाल बनता है ना, तो अच्छा लगता है। बस ये पकने वाला है दाल,
और फिर इसमें ना मैं तड़का लगाऊंगी। ये देखिए ये ना बॉईल हो गया है अच्छी तरीके से, ये भी पक गया है और आलू भी पक गया है और ये सब मैंने ना कट कर लिया है। और ये मैंने थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा कट किया है क्योंकि मैं दाल में तड़का भी लगाऊंगी। तो ये देखिए इसमें दाल में तड़का लगाऊंगी और ये इसमें सब्जी को बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं इसमें डालती हूँ एक सूखी मिर्च, और ये ना थोड़ा काला पड़ गया क्योंकि इसको मैं बॉईल कर की और इसको धोई भी नहीं। तो फिर तो ये सब मैंने अभी डाल दिया है और इन सबको अच्छी तरीके से भून लेती हूँ। और तड़के के लिए ना ये सब डाल के और अच्छी तरीके से अभी मैं भून लेती हूँ। तो बस अभी ये भून चुका है प्याज मिर्ची लहसुन अदरक, इसमें डाल देती हूँ टमाटर। और यहाँ पे जो है मैं कुछ कुछ सूखे मसाले भी मैंने डाल दिया है और टेस्ट के अनुसार नमक भी अभी डाल दूंगी। ये देखिए मसाले ना भून चुका है। अब मैं इसमें बॉईल करके रखी थी ना ग्वार की फली और आलू, और इसमें अभी मैं डाल दूंगी। बहुत टेस्टी लगता है ये वाला सब्जी, अपना इस तरीके से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस इसको अभी मैं भून लूँगी थोड़ी देर। और ना आज मैं अपने धनिया के पौधे में से धनिया निकालती हूँ सब्जी में डालने के लिए। तो फर्स्ट टाइम अभी मैं निकालती हूँ, इतना अच्छा ग्रोथ किया है ना ये वाला, पर ये थोड़ा पतला पतला हो गया। कैंची से कट करके निकालती हूँ यहाँ पे। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा ही धनिया का पत्ता भी निकाल लिया, अभी ना और बड़े होंगे तो कम मैं निकालूँ। इसके बाद ये हो गया, अभी दाल में डाल देती हूँ तड़का। मेरी ना सब्जी भी अभी बन गई है, मैं इसमें धनिया के पत्ते डाल देती हूँ। बहुत अच्छा खुशबू आ रहा है इसमें से, तो आप इसको ना रोटी पराठे के साथ जो है खा सकते हैं। यहाँ पे अभी ये दिखे मेरा ये थाली जो है तैयार है। तो फ्रेंड्स अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी ना लाइट कटा हुआ है, तो इन्वर्टर का चार्ज भी ख़त्म हो गया, तो कोई एक भी लाइट नहीं जल रहा है, मोबाइल चार्ज भी नहीं हो पा रहा है और यहाँ पे हम लोग सोए हैं। दिखा दिए तुमको तो अभी दिखाई चला। अरे यहाँ पे ना डुब्बू जो है क्या हो रहा है, यहाँ पे डुब्बू ना अपना जूता ही पहन रहा है, कल से जूता पहन के देख रहा है। जूता पहन के पढ़ेगा कि होमवर्क बनाएगा। और मनीषा भी उस रूम में सोई है, मैं भी सोई हूँ। और सारे ये सब पर्दे ना मैं धोने के लिए डाली थी मशीन में, पर लाइट कटा हुआ है काफ़ी टाइम से, तो होगा तब धोएंगे। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, लाइट अभी आया नहीं है और मेरा इधर का तो कर्टन्स लग गए हैं, उस साइड का भी लगा दिया है मैंने, और सारे कर्टन्स अभी मैं हाथ से धोई थी, और फिर और उस रूम का जो कर्टन्स है ना वो आज धुल जाएगा, फिर वो कल मतलब
आज नहीं तो कल धुल दूँगी। तो ये है, और सारा मेरा दिवाली का सफाई वगैरह हो गया है, बस सोफ़ा के कवर वगैरह है तो वो भी मैं धो दूँगी। और फिर कल है धनतेरस, तो आप सबको हैप्पी धनतेरस एडवांस में, और देखते हैं कल क्या खरीदा जाएगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा।